आज मैं आपके साथ पीनट चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो वड़ा पाव स्पेशल है। ये बनाने में बहुत इजी और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इस चटनी को इजीली बना सकते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पीनट लिए हैं, इसको रोस्ट करना है। इस तरीके से भून लेंगे इसको। भुन चुके हैं ऑलमोस्ट। इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये शीश में सीड लिया मैंने, इनको भी इस तरीके से सॉटे कर लेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। आपको जिस हिसाब से चटनी बनानी है उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, इसको भी इसी तरीके से थोड़ी देर भूनेंगे। इसी तरीके से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। भुन चुका है ये भी, इसको भी किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये होल रेड चिली है, थोड़ा सा क्यूमिन सीड लिया है, इसको भी सॉटे कर लेंगे। ये लहसुन, इसको भी भूनना है। सारे इंग्रेडिएंट्स भुन चुके हैं इस तरीके से। और अभी जो हमने भून के रखे थे जो इंग्रेडिएंट्स, ये वो मैंने सारे इसी में ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा ये सॉल्ट, ये कोरिएंडर पाउडर एंड ये थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जिससे कि चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, इसके बाद में इसको ब्लेंड कर लेंगे। लीजिए, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और चटनी बनके एकदम तैयार है। इसको बड़ा पाव के साथ सर्व करने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप भी इसको इजीली बना सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।